हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपलोड कर दिया था, जितने मुझे क्वेश्चन मिले थे। ये सेकंड शिफ्ट प्लस थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, तो इनको देख लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको वीडियो के एंड में एक नंबर दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मुझे एमटीएस लिख के भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसमें बहुत बच्चे पहले से ऐड है उस ग्रुप में, और उसमें मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा फ्री में ही। तो आप वीडियो का एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन सेम नहीं हो सकते क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, एग्जैक्ट मिलना मुश्किल है। तो जैसे क्वेश्चंस पता चलते हैं वैसे ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा कर घंटी का आइकन को ऑन कर ले दोस्त, ताकि और जितनी भी नई वीडियो है उनका मैसेज आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है तो शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% से बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है? दोस्तों, अगर हम देखें तो 11 खिलाड़ियों की कुल आयु अगर निकाले, हम कुल आयु यानी कि टोटल आयु निकाले, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 है, तो यानी कि 220 उनकी कुल आयु आ जाएगी। और दोस्तों, औसत 2% से बढ़ गया, यानी कि 220 का 10% निकालेंगे तो 2% से बढ़ गया, ठीक है ना? इन्होंने बोला है ना कि औसत 10% से बढ़ गया, तो औसत तो हमारा 20 था, उसे 10% से बढ़ाएंगे तो 2% से बढ़ गया। तो अब बात करी जाए तो औसत हमारा कितना हो गया? औसत हो गया 2% से बढ़ गया, यानी कि 20 प्लस 2 22 हमारा औसत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बात समझ में आ गई। 11 खिलाड़ियों की शिक्षक और 11 खिलाड़ी और शिक्षक की कुल आयु, यानी कि 11 खिलाड़ी प्लस एक शिक्षक, तो अब 12 हो गए ना भैया, और औसत बढ़ के कितना हो गया 22, तो टोटल कुल आयु कितनी हो गई है 264। और अब पहले कितनी थी 220, तो शिक्षक की आयु निकल जाएगी ना, अब 264 में से 220 माइनस करेंगे तो 44 ईयर का शिक्षक आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि 480 का 75% एक्स गुणा 15 हो तो एक्स का मान क्या होगा? दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 480 का 75% निकाल लेंगे तो 360 आ जाएगा, या निकाल ही लोगे आप, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। 360 बराबर एक्स गुणा 15, ये हम लिख लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये इसके बराबर दिया है ना भाई, 480 का 75%, तो हम एक्स की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। 360 को इधर आ जाएगा, 15 से भाग कर देंगे 360 को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। यही था इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 300 का 25% का 20% क्या होगा? यानी कि 300 का अगर 25% निकाल लिया जाए और फिर उसी का ही 20% निकाल लिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, मैंने जैसे इन्होंने क्वेश्चन बोला मैंने वैसे ही लिख लिया। 300 का 25% यानी कि 25/100 और गुणा फिर 20/100 हो गया, तो इसको काट लेंगे, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार कट जाएगा, और 20 को 100 से को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। तो अब इसको लिख लेंगे, 5 20 और 300 या आ जाएगा, 300 को 20 से काटेंगे तो 15। इतने ही जैसा क्वेश्चन दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपका पूछा है, 3 सेंटीमीटर लंबाई के एक आयत का परिमाप 10 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो दोस्तों, आयत का परिमाप का हमें फॉर्मूला पता होता है, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से गुणा कर देते हैं, ये आयत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि आयत कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और 2 और लंबाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो 2 2 से 10 को काट लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, कर लेंगे हम मतलब यहीं पे शॉर्ट कर लेंगे तो 5। तो अब चौड़ाई निकल के आ जाएगी, 5 इधर आ जाएगा और 3 में से माइनस हो जाएगा, ये 5 इधर जाके 3 में से माइनस हो जाएगा, और चौड़ाई इधर आ जाएगी, तो चौड़ाई हमारी 2 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी 30 दिन में करते हैं, और ए और सी 40 दिन में करते हैं। तो अब पूछा है कि ये इनको तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम हमारा टोटल कार्य आ जाता है दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ पहली सारी वीडियो में। तो अब हमें इनसे क्या निकाल लेंगे, अगर 120 को हम 60 से भाग कर देंगे तो ए और बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा 2, और ऐसे 120 को 30 से भाग कर देंगे, ए बी और सी का कार्य आ जाएगा 4, और ऐसे 120 को 40 से भाग कर देंगे तो ए और सी का एक दिन का कार्य आ जाएगा 3। अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो तो यहाँ पे सारे दो 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 बार काउंट हो रहे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तो हम इसको भी डबल कर लेंगे, जो हमारा इधर एलसीएम लिया था हमने उसको डबल कर लेंगे, यानी कि 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 240। अब इन सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 2 5 4 9, 240 को 9 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा
26 सही, 2 6/9, और फिर इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये है MTS ग्रुप नंबर, आप इस पे मुझे अपना नाम और MTS लिख करके, ठीक है, सेंड कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसमें बहुत ऑलरेडी बहुत बच्चे ऐड हैं, तो आप वहाँ पे अपनी और भी प्रॉब्लम, जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें सेंड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा सोल्व कर सकता होगा सोल्व करेगा, बाकी मैं करूँगा, ठीक है। तो आपको इस पर अपना नाम और MTS लिख के सेंड कर देना है, ये नंबर है 9536868558, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगती है आपको, और प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कर दें, ठीक है। बने रहे चैनल के साथ में, देखते रहे नेक्स्ट वीडियो, जब के लिए धन्यवाद।